नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम हमारी जो यूनिट नंबर 7 है कल्चरल स्टडीज, इसके MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि नेट एग्जाम में इस यूनिट से, कल्चरल स्टडीज से, 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। और इस यूनिट के अलावा जो दूसरी यूनिट है, जैसे कि क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथडोलॉजी, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इन यूनिट्स पे भी हम MCQs को कवर करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज को। और आज की क्वेश्चन सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, कल्चर इज ऑर्डनरी, दैट इज द फर्स्ट फैक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ स्टेटमेंट। ऐसा रेमंड विलियम्स ने बोला है, कल्चर इज द ऑर्डनरी, इट इज फर्स्ट फैक्ट। और उन्होंने एक बुक लिखी है, रिसोर्स ऑफ होप। इस बुक में ये मेंशन किया गया है कि कल्चर जो है वो ऑर्डनरी है। सो रिसोर्स ऑफ होप, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट वन, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम्स द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म कल्चर मटेरियलिज्म। कल्चर मटेरियलिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्चर मटेरियलिज्म के बारे में। जो मटेरियलिस्टिक इफेक्ट जो होता है हमारे सोशल लाइफ पे पड़ता है, उसको बोलते हैं कल्चरल मटेरियलिज्म। ठीक है, और वो कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कल्चर को कैसे अफेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल मटेरियलिज्म। कल्चर ऑप्शन में पढ़ते हैं, कल्चरल इफेक्ट दैट रिलीजन हैज इन सोशल लाइफ। यहाँ पे रिलीजन की बात है ये नहीं है, पॉलिटिकल इफेक्ट की बात है ये भी नहीं है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखो मटेरियल इफेक्ट की बात दी गई है, मटेरियल इफेक्ट दैट कल्चर हैज इन वाइडर सोशल लाइफ। ठीक है, ये आंसर जो है हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियाउद्दीन सरदार स्टेटमेंट कल्चरल स्टडी। एक स्टेटमेंट दी गई है जियाउद्दीन सरदार की, हमने बताना है कि ये कौन सी जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो उसकी सही डिस्क्रिप्शन है। ये कल्चर स्टडी स्टार्टेड एज ए डिसेंटिंग इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन आउटसाइड अकेडमिया। आउटसाइड अकेडमी से बाहर भी ये शुरू हो चुका है कल्चरल स्टडी, डेडिकेटेड टू एक्सपोजिंग पावर इन ऑल इट्स कल्चरल फॉर्म, बट इट हैज बिकम नाउ ए डिसिप्लिन एंड ए पार्ट ऑफ एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स पावर स्ट्रक्चर। अब ये क्या बन गया है, एक डिसिप्लिन बन गया है, एक रूल्स बन गया है। और अगर मैं बात करूं हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड की, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये क्या होता है, देखो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और ट्रांसफॉर्मिंग रूल्स एंड प्रोसीजर दैट इन्फ्लुएंस ए सेट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। ह्यूमन की इंटरेक्शंस को जो जो उनका सेट है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ये एक रूल्स है, एक डिसिप्लिन है। यहाँ पे देखो इट हैज बिकम ए डिसिप्लिन एंड ए पार्ट ऑफ एकेडमिक एस्टेब्लिशमेंट एंड इट्स पावर स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ भी यही बात कर रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में बोल रहा है। ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद है, हु केम अप विद ए मॉडल ऑफ एनकोडिंग डिकोडिंग, एनकोडिंग डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स। ये एक ऐसे लिखा है, एनकोडिंग डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स, इट वॉज रिटन इन 1973। और ये ऐसे लिखा है स्टुअर्ट हॉल ने। स्टुअर्ट हॉल ने इनकोडिंग डिकोडिंग की बात की है इस एसे में। और इसके अलावा उन्होंने इनकोडिंग करने के चार कोड्स बताए हैं, और वो कोड कौन कौन से हैं इनके नाम लिख लो, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। डोमिनेंट कोड है, उसके बाद प्रोफेशनल कोड है, एंड देन ओपोजिशनल कोड है, ओपोजिशनल कोड, देन नेगोशिएटेड कोड। यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोबारा भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो इन चार कोड्स के नाम आप याद रखना कि इसको इनकोडिंग करने के लिए स्टुअर्ट हॉल ने चार कौन कौन से कोड बताए हैं, डोमिनेंट कोड, प्रोफेशनल कोड, ओपोजिशनल कोड एंड नेगोशिएटेड कोड। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द बुक दैट पुट जूडिथ बटलर ऑन द मैप। 1990 में जूडिथ बटलर ने एक बुक लिखी थी जेंडर ट्रबल, जिसकी वजह से काफी पॉपुलरिटी इनको मिली थी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज आर। की फिगर कौन कौन से हैं, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, रिचर्ड होगार्ट, यहाँ से शुरुआत हुई थी 1964 में, CCS की शुरुआत हुई थी। ठीक है, रिचर्ड होगार्ट जो है वो डायरेक्टर बने थे इसके सबसे पहले। तो रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स और स्टुअर्ट हॉल, ये तीनों ही की फिगर हैं कल्चरल स्टडी को डेवलप करने में। तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, ये तीन जो है हमारे की फिगर हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग थ्योरिस्ट बिलीव दैट
द प्रोलिफेरियन ऑफ टेलीविजन इमेजेस प्रोड्यूस ए कल्चरल कंडीशन अकिन टू हिस्टोरिकल एमनेसिया. हिस्टोरिकल एमनेसिया क्या होता है? इट इज ए लॉस ऑफ हिस्ट्री. लॉस ऑफ हिस्ट्री. एंड फ्रेडरिक जेम्सन बिलीव दैट द प्रोलिफेरियन ऑफ टेलीविजन इमेजेस प्रोड्यूस ए कल्चरल कंडीशन अकिन टू हिस्टोरिकल एमनेसिया. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देन इसके बाद नेक्स्ट है, हु डिफाइन कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ? रेमंड विलियम्स. ऑप्शन नंबर बी, रेमंड विलियम्स डिफाइन कल्चर एज ए वे ऑफ लाइफ. इजी क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा. नेक्स्ट है फिर, रेमंड विलियम्स डिफाइन कल्चर बेस्ड ऑन थ्री की एस्पेक्ट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम? तीन कल्चर के की बताई है इन्होंने की एस्पेक्ट्स. कल्चर एज आइडियल है जिसमें, कल्चर एज डॉक्यूमेंट्री और कल्चर एज सोसाइटी. तो ये लाइफ वाला नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा. और ये नॉट पूछा गया है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी. और कल्चर एज आइडियल जो है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है डिस्कवरी एंड डिस्क्रिप्शन को, एंड कल्चर एंड डॉक्यूमेंट्री में क्रिटिकल असेसमेंट की जाती है, और कल्चर एंड सोसाइटी में मीनिंग्स एंड वैल्यूज की बात की जाती है. देन नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी? ट्रिपल सी एस 1964 में सेटअप किया गया था इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम. ये क्वेश्चन पिछले पेपर में 2021 का जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कल्चरल स्टडी की शुरुआत जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई थी. इट वॉज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम. और इसने पूछा है कि फर्स्ट जो डायरेक्टर है वो कौन था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम का. ये रिचर्ड होगार्ट जो है ये फर्स्ट डायरेक्टर था, और इनके जो असिस्टेंट हैं स्टुअर्ट हॉल, ये जो है ये सेकेंड डायरेक्टर थे इसके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आइडियोलॉजी. इंस्टीट्यूट एंड सोशल प्रैक्टिस दैट फॉर्म द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ दैट सोसाइटी. दिस इज द बेसिक प्रीमाइस ऑफ विच थ्योरी. देखो, बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात किसने की है? बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, ये बात कर रहे हैं मार्क्सिज्म. जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात की है, तो ये मार्क्सिज्म फिलोसफी है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टर्म टू बी सेकेंड डायरेक्टर ऑफ ट्रिपल सी एस? ये सेकेंड कौन बना था? स्टुअर्ट हॉल. ठीक है, ये इसका जो असिस्टेंट था ये सेकेंड डायरेक्टर बना था ट्रिपल सी एस का. सो ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा. देन नेक्स्ट वन, द टर्म कल्चरल हेजिमनी वॉज ड्यूली एलेबोरेटेड एंड एक्सपाउंडेड बाई. कल्चर हेजिमनी को ड्यूली एक्सपाउंड किसने किया है? ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कल्चरल जो हेजिमनी है ये क्या होती है. इन मार्क्सिज्म फिलोसफी, कल्चरल हेजिमनी इज द डोमिनेंस बाय द रूलिंग क्लास हु मैनिपुलेट द कल्चर ऑफ सोसाइटी. जो सोसाइटी के कल्चर को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, एंड डोमिनेंस ऑफ वन सोशल ग्रुप ओवर अदर्स. और जो एक सोशल ग्रुप है दूसरे सोशल ग्रुप के ऊपर अपना डोमिनेंस करते हैं, दैट इज कल्चरल हेजिमनी. एंड इट वॉज ड्यूली इलेबोरेटेड बाई एंटोनियो ग्राम्सी. एंटोनियो ग्राम्सी ने ही एक्सपाउंड किया है इस थ्योरी को. सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है. देन कल्चरल कैन नॉट बी परसीव्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल कैन नॉट बी परसीव्ड एज एन इंडिपेंडेंट रियलिटी. कल्चर को इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं माना जा सकता, बट इट इज इंस्पिरेबल फ्रॉम द हिस्टोरिकल कंडीशन. बट इसको हिस्टोरिकल कंडीशन से भी अलग नहीं किया जा सकता. इन विच ह्यूमन बींग्स लिव इन दियर मटीरियल लाइफ, विच थ्योरी डिफाइन कल्चर इज द स्टेटेड वे. यहाँ पे अगर हम मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर हैं उनकी बात करें तो वो हिस्टोरिकल कंडीशन को साथ लेके चल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल कंडीशन से इस कल्चर को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो मार्क्सिज्म जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही आंसर हो जाएगा. मटेरियल्स लाइफ की भी बात उन्होंने की है, ऐसे ये सेम ऐसा क्वेश्चन भी पहले अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो कल्चरल मटेरियलिज्म वाला. देन इसके बाद है, लिटरेचर और आर्ट इज थॉट टू बी पार्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट. लिटरेचर और आर्ट जो है वो किसका पार्ट है मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग? बेस का है या सुपर स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर. तो ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात इन्होंने ही की है मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने. बेस इनको किसने बताया है? जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो कैपिटलिस्ट वर्ग जो है वो बेस है, एंड सुपर स्ट्रक्चर जो है वो वर्किंग क्लास है और लेबर क्लास. वर्किंग क्लास और लेबर क्लास को बताया है सुपर स्ट्रक्चर. एंड मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर है एसोसिएट विद वर्किंग क्लास. सो सुपर स्ट्रक्चर जो है वो वर्किंग क्लास से एसोसिएट करता है. तो सुपर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज डिवोटेड ए चैप्टर ऑन द ग्रेट ट्रेडिशन. एफ आर लेविस ने एक बुक लिखी है. एफ आर लेविस इसने बुक लिखी है ये ग्रेट ट्रेडिशन इन 1948 में. ठीक है,
और इस बुक में उन्होंने चार फेमस नॉवलिस्ट हैं जिनके नाम मेंशन किए हैं, और वो कौन कौन हैं? जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड। और इस बुक में एफ आर लेविस ने चार्ल्स डिकेंस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। इसकी सिर्फ एक बुक है हार्ड टाइम्स, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, बाकी सारे के सारे बुक्स को क्रिटिसाइज किया गया है। तो हार्ड टाइम्स जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरिंग टू नियो मार्क्सिज्म इज नॉट ट्रू। नियो मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है? अगर हम बात करें मार्क्सिज्म की, तो ये नियो मार्क्सिज्म जो है ये इनकी ही फिलोसफी को फॉलो करते थे, इनकी थ्योरी को फॉलो करते थे, और मार्क्सिज्म जो है वो फोकस करते थे स्टेटलेस सोसाइटी पे। और ये नियो मार्क्सिज्म जो है ये फोकस करते थे, ये मानते थे कि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनको सिर्फ पैसे से एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, बल्कि और भी काफ़ी दूसरे रीजन्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रीज़न है, कुछ सोशल रीज़न है जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो वो इस आइडियोलॉजी को पीसफुली चेंज करना चाहते थे। तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन में, ब्रिटिश कल्चरल स्टडी कुड बी लेबल टू नियो मार्क्सिज्म, ये तो सही है। दे अज्यूम टू चेंज द पीसफुल इन आइडियोलॉजिकल भी, आइडियोलॉजिकल तरीके से वो इस कंडीशन को पीसफुली चेंज करना चाहते थे, ये भी ठीक है। दे आर अगेंस्ट द वॉयलेंट रिवोल्यूशन, तो ये पीसफुली करना चाहते थे, तो वॉयलेंट के तो अगेंस्ट हो गई ऑटोमेटिक। देन दे टेक दियर आइडियाज फ्रॉम इंटरटेक्चुअलिटी एंड स्ट्रक्चरलिज्म, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने आइडियाज जो है इंटरटेक्चुअलिटी और स्ट्रक्चरलिज्म से लिए हों, ठीक है, बल्कि वो मार्क्सिज्म को ही फॉलो करते थे। तो नहीं पूछा गया है, तो यही स्टेटमेंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट है, फ्रेडरिक जेम्सन टॉक अबाउट थ्री काइंड ऑफ कैपिटलिज्म, विच काइंड ऑफ कैपिटलिज्म डज ही इक्वेट द पोस्ट मॉडर्निज्म। सबसे पहले हम बात करें फ्रेडरिक जेम्सन की, इन्होंने एक बुक लिखी है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कल्चर लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, ठीक है। इस बुक में इन्होंने तीन टाइप की कैपिटलिज्म बताई है, मार्केट कैपिटलिज्म, मोनोपोली और मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म, ये तीन है। और प्रेजेंट डे के साथ कंपेयर की है इसने मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म को, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है इसमें। देन उसके बाद है, विच इज द मिशेल फुकोज फर्स्ट मेजर वर्क, मिशेल फुको का सबसे पहला फेमस वर्क कौन सा है? प्रिजन नोटबुक लिखा गया था 1929 में, ये तो एंटोनियो ग्राम्सी का वर्क है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन को लिखा गया था 1961 में, और द बर्थ ऑफ क्लिनिक को लिखा गया था 1963 में, एंड डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट को लिखा गया था 1975 में। तो फर्स्ट मेजर वर्क है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद नेक्स्ट है, कमोडिटी फेटिज्म इज ए कल्चरल ट्रेड बाय विच राइटर, कमोडिटी फेटिज्म एक टर्म है, ये कौन से राइटर ने दी है? सबसे पहले हम बात करते हैं कमोडिटी फेटिज्म ये होता क्या है। द टर्म ये टर्म जो है वो डिस्क्राइब करती है द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज एज ए सोशल रिलेशनशिप अमंग थिंग्स, नॉट एज ए रिलेशनशिप अमंग पीपल, लोगों के बीच की बात नहीं होती, सिर्फ चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप की बात की जाती है कमोडिटी फेटिज्म में। और ये जो कंसेप्ट आया है, दास कैपिटल एक बुक लिखी गई है, दास कैपिटल, इट वॉज रिटन बाय कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है इसमें। देन नेक्स्ट बुक वर्क है, हु रोट द फेमस बुक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है इसका एक सबटाइटल है ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, और ये लिखा है जीन फ्रांसिस्को लियोटर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा इसमें सही आंसर है। देन इसके बाद फिर नेक्स्ट है, हु टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए सेलिब्रेशन ऑफ द कल्चर ऑफ पेस्टिस, पेस्टिस क्या होता है? ये एक मिक्सर होता है, ठीक है, जो पहले वर्क लिखे जा चुके हैं, कोई भी प्रीवियस पीस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, थिएटर, म्यूजिक, किसी भी चीज को इमिटेट करके नई चीजें बनाना उसे, उसको बोलते हैं पेस्टिस। बट इसमें जो ओरिजिनल जो टेक्स्ट होते हैं हमारे, जिनको इमिटेट किया जाता है, उनको जो बाद में वर्क लिखे जाते हैं उनमें क्रिटिसाइज नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं हम पेस्टिस, यानी कि मिक्सर, इमिटेट्स करके चीजों को मिला के एक नई चीज तैयार करना, उसको बोलते हैं पेस्टिस। और इसके बारे में जो फ्रेडरिक जेम्सन है उन्होंने बोला है, उन्होंने बात की है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए सेलिब्रेशन ऑफ द कल्चर ऑफ पेस्टिस। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देन अगला है, हु कॉल्स न्यू हिस्टोरिसिज्म एज ए डिसिप्लिनरी टूलकिट, न्यू हिस्टोरिसिज्म को डिसिप्लिनरी टूलकिट किसने बोला है? न्यू हिस्टोरिसिज्म वॉज एक्सपाउंड बाय स्टीफन ग्रीनब्लैट, इन्होंने इसको एक्सपाउंड किया है इस थ्योरी को।
स्टीफन ग्रीनब्लैट ने, और इन्होंने ही बोला है इसको डिसिप्लिनरी टोल किट। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद है, व्हाट इज न्यू हिस्टोरिसिज्म इन अमेरिकन एकेडमिक वर्ल्ड द सेम इज टर्म एज इन इंग्लैंड। न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ये शुरू हुआ था अमेरिका में, और इनकी जो सिमिलर अप्रोच जो है वो कल्चर मटेरियलिज्म जो है उनसे मिलती जुलती थी, कल्चर मटेरियलिज्म से, उसको इंग्लैंड में बोला जाता था कल्चर मटेरियलिज्म। ठीक है, कल्चर मटेरियलिज्म। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कल्चर मटेरियलिज्म, इसी को अमेरिका में क्या बोला जाता है, न्यू हिस्टोरिसिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। देन पॉलिटिकल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय, किसने लिखा है पॉलिटिकल शेक्सपियर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलन सिलफील्ड एंड डेलीमोर दोनों ने कोलेबरेशन में लिखा है। देन नेक्स्ट वन, द थ्योरी ऑफ टू टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल हैज बीन प्रोवाइडेड बाय, किसने बताया है दो टाइप के इंटेलेक्चुअल, ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल? एंटोनियो ग्राम्सी ने एक बुक लिखी है प्रिजन नोटबुक, और इस बुक में एक स्पेशली एक चैप्टर डिवोट किया गया है इंटेलेक्चुअल्स पर। इस बुक में उन्होंने टू टाइप के इंटेलेक्चुअल्स बताए हैं, ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल, दो इंटेलेक्चुअल हैं। इट वॉज रिटन बाय एंटोनियो ग्राम्सी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यू हिस्टोरिसिस्ट? न्यू हिस्टोरिसिस्ट कौन सा नहीं है? स्टीफन ऑर्गल, जोनाथन गोल्डब्रे, स्टीफन ग्रीनब्लैट एंड टेरी एगल्टन। देखो टेरी एगल्टन जो है ये एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, सो ये एलिमिनेट है यहाँ पे, यही नोट पूछा गया है तो यही राइट आंसर होगा, टेरी एगल्टन। देन नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म? फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म जो है इसमें पांच सबसे मेन की फिगर आते हैं, और ये जो पांच फिगर हैं इनके नाम मैं एक और लिख देता हूँ, लियो लेवेंथल, लियो लेवेंथल एंड फ्रेडरिक पोलक। फ्रेडरिक पोलक ये दो नाम है, और यहाँ पे थियोडोर अडोर्नो, मैक्स हॉर्कहाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूज, ये तीन और दो पांच की फिगर हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म में बहुत ही पॉपुलर है। लुइस अल्थुजर जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, सो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वही हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है, बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल इज नोन एज, जो इनका बेस और सुपरस्ट्रक्चर का मॉडल है जिसमें इन्होंने हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया है तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देन इसके बाद नेक्स्ट है, बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एनालिसिस ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंजल नोन एज, बेस सुपरस्ट्रक्चर का जो मॉडल है कार्ल मार्क्स का और फ्रेडरिक एंजल का, इसको क्या बोलते हैं? इन्होंने जो बेस और सुपरस्ट्रक्चर है जो मार्क्सिज्म जो फिलोसफी है उसमें इन्होंने बोला था कि हम हिस्टोरिकल जो कंडीशन है उसको इंस्पिरेबल नहीं कर सकते, उसको अलग नहीं कर सकते कल्चर से, तो ये है हमारा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेमंड विलियम्स वॉज अपोज्ड ऑफ द नोशन ऑफ, रेमंड विलियम ने टर्म कॉइन की है कल्चर मटेरियलिज्म, और जब कल्चर मटेरियलिज्म को डेवलप किया था देन ही वॉज अपोज्ड टू द नोशन ऑफ हाई कल्चर, सो हाई कल्चर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट, हु मेड द स्टेटमेंट दैट जोनराज आर एसेंशियली कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ए राइटर एंड हिज रीडर, राइटर और रीडर के बीच में जोनरा जो है वो कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं, ऐसा किसने बोला था? लियो लेवेंथल, ऑप्शन नंबर ए, लियो लेवेंथल ने ऐसा बोला है। देन नेक्स्ट है, हु इज इन द 1961 एसे द क्राइसिस इन कल्चर सजेस्ट दैट द मार्केट ड्राइवन मीडिया लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर, मार्केट में जो चल रही मीडिया है वो लीड करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर को और डिक्टेट करती है एंटरटेनमेंट को, ऐसा किसने बोला है? ये क्राइसिस ऑफ जो कल्चर है ये बुक लिखी है हाना आरेंडट ने, इन्होंने बोला है कि मार्केट ड्राइवन जो मीडिया है वो लीड करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर एंड डिक्टेट द एंटरटेनमेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट टॉक अबाउट द आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस इज ए बुक रिटन बाय लुइस अल्थुजर, इसने बात की है आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस की, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही आंसर है इसमें। देन नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यू लेफ्ट मार्क्सिस्ट, न्यू लेफ्ट मार्क्सिस्ट जो है उसमें रेमंड विलियम्स आता है, टेरी एगल्टन, फ्रेडरिक जेम्सन, ये तीन लोग आते हैं जिनको न्यू, इन्होंने इन तीन लोगों ने मार्क्सिस्ट जो आइडियाज है काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, तो ये तीन की फिगर है और नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है यानी कि डी हमारा राइट आंसर होगा।
देन इसके बाद नेक्स्ट है फोर मार्क्स इज ए फेमस वर्क बाय, फोर मार्क्स किसने लिखा है, ये लिखा है लुइस एल्थुजर ने, और लुइस एल्थुजर ने इस बुक में हैंग्लिकन मार्क्स और जो ओल्ड मार्क्स है उनके वर्क्स को स्टडी किया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. देन हु रोट कीवर्ड ए वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, किसने लिखा है, रेमंड विलियम्स ने लिखा है इसको, 1983 में इस बुक को पब्लिश किया गया था, कीवर्ड्स ए वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट है ब्लैंक दिया गया है, फिल करना है. डैश इज द एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन एस्टैब्लिश फील्ड सच एज लिटरेचर, हिस्ट्री, थिएटर, लॉ, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स. ठीक है, इसमें ये काफ़ी सारे फील्ड्स दिए गए हैं, इनमें जो सेक्सुअलिटी पे जो स्टडी हुई ना उसको क्या बोलते हैं, जिसपे सेक्सुअलिटी पे जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलजीबीटी. और एलजीबीटी की जो फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर. ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है. और इनको किसी भी फील्ड में जो सेक्सुअलिटी पे इन्वेस्टिगेट करती है उसको एलजीबीटी बोला गया है. ठीक है, देन नेक्स्ट है फिर आइडेंटिफाई द स्कॉलर हु यूजुअली आइडेंटिफाई एज फर्स्ट यूजिंग द फ्रेज क्वीर थ्योरी, सबसे पहले क्वीर थ्योरी जो ये फ्रेज यूज किसने किया था, ये फ्रेज यूज किया था टेरेसा डे ल्यूरिटिस ने. इन्होंने एक बुक लिखी है क्वीर थ्योरी, लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटीज, ये देखो यहाँ पे बुक का नाम दिया गया है, 1991 में इस बुक को पब्लिश किया गया था, क्वीर थ्योरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर द एसे वॉज रिटन इन 1991 अंडर द टाइटल क्वीर थ्योरी, लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटीज, ऊपर जो अभी मैंने मेंशन किया था वही है ये, टेरेसा डे ल्यूरिटिस ने इस वर्क को लिखा है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. देन द नेक्स्ट वन द टू लैंडमार्क एसे द ट्रैफिक इन वुमेन एंड पॉलिटिकल एंड थिंकिंग सेक्स, ये दो लैंडमार्क ऐसे जो हैं वो किसने लिखे हैं, इट वॉज रिटन बाय गाइल रूबिन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. देन आगे है विच राइटर इज नोन टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी एज द सोशल परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस का ये जो आइडिया है वो किसने डेवलप किया है, परफॉर्मेटिविटी का भी एक मॉडल डेवलप किया है एक राइटर ने, जुडिथ बटलर. ठीक है, जुडिथ बटलर हैं जिसने सोशल परफॉर्मेंस के इस आइडिया को डेवलप किया है, और एक परफॉर्मेटिविटी का मॉडल भी इन्होंने ही दिया है. देन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जुडिथ बटलर. देन आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इन हिज एसे कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड द लेस्बियन एग्जिस्टेंस इज फाउंड अटैकिंग हेट्रोसेंट्रिसिटी, ये ऐसे लिखा है कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस, और इस ऐसे में हेट्रोसेंट्रिसिटी पे अटैक किया गया है. एड्रिन रिच ने ये ऐसे लिखा है 1980 में जिसको पब्लिश किया गया था, कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस, इसमें हेट्रोसेंट्रिसिटी के ऊपर अटैक किया गया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट है द वर्ड फेनोमेनोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ, ऑप्शन में दिया गया है जीन पॉल सार्ट्रे, एडमंड हर्सल. फिनोमेनोलॉजी रेफर टू ए क्लस्टर ऑफ अप्रोच टू फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी एंड द स्टडी ऑफ आर्ट ड्राइवन फ्रॉम द वर्क ऑफ जर्मन फिलोसोफर एडमंड हर्सल. एडमंड हर्सल के वर्क से ही ये लिया गया है फिनोमेनोलॉजी. सो ऑप्शन नंबर बी एडमंड हर्सल इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ मेकिंग थिंग्स परफेक्टली क्वीर, पब्लिश इन 1993, अलेक्जेंडर डॉटी ने ये लिखा है मेकिंग थिंग परफेक्टली क्वीर, जिसको 1993 में पब्लिश किया गया था, इसमें ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है. देन इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज डिफाइन प्रोलेटेट मोर प्रॉपरली, और सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रोलेटेट, ये प्रोलेटेट क्या होता है, ये लेबर क्लास बोल सकते हैं, जो लोवेस्ट क्लास है और इकोनॉमिक क्लास ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्रोलेटेट. ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ए मेंबर ऑफ क्लास ऑफ वेज अर्नर, वेजेज अर्नर होते हैं ये इन इकोनॉमिक सोसाइटी हुज पोजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मटेरियल वैल्यू इन देयर लेबर पावर, तो यही ऑप्शन जो है वो सही है. ठीक है, इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कुछ नहीं है और फेमिनिज्म का कुछ नहीं है, कैपिटलिज्म का भी नहीं है, तो यही होगा, जो वेज अर्नर होते हैं ना, जो बहुत ही लोअर क्लास होती है सोसाइटी की, उसको बोलते हैं हम प्रोलेटेट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिर द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन फाइव नेशन इन 1963 एज ए पॉलिटिकल साइंस बुक आइडेंटिफाई द ऑथर, दो लोगों ने मिलकर लिखा है इसको, ये गैब्रियल एलमोंड एंड सिडनी वेरबा, दोनों ने कोलेबरेशन में लिखा है, तो ये दोनों ही आएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद कल्चरल स्टडी, कल्चरल स्टडी से
कौन सा राइटर एसोसिएट नहीं करता है, स्टुअर्ट हॉल है इसमें, और टी एस एलियट जो है वो एक मॉडर्न क्रिटिक है, तो ये नहीं है, रिचर्ड होगार्ट है, रेमंड विलियम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट है, स्टुअर्ट हॉल वॉज इंस्पायर्ड बाय ए टेक्स्ट रिटन बाय एंटोनियो ग्राम्सी, व्हाट वॉज इट कॉल्ड। एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखा है एक वर्क जिससे स्टुअर्ट हॉल जो है वो काफी इंस्पायर हुए हैं। देखते हैं ऑप्शन में, मार्क्सिज्म डायरीज, अर्बन डायरीज, प्रिजन डायरी, प्रिजन नोटबुक लिखा है ना इसने 1929 में, एंटोनियो ग्राम्सी ने ये बुक लिखी है, इससे काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे स्टुअर्ट हॉल, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही आंसर होगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टूडे एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट फॉर द अपकमिंग वीडियोज। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।